नाम फाखिर है और मैं इस वक्त SIUT के अंदर ICU में ड्यूटी कर रहा हूँ। और आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे ही इन्होंने कराची में लॉकडाउन के अंदर नरमी की है तो हमारे पास ICU के अंदर पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है। पेशेंट्स निहायत शदीद बीमार हालत में आ रहे हैं, वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं और उसमें से कुछ पेशेंट्स बच पाते हैं और बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो जाबर नहीं हो पाते। इस कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त बहुत सारी जानें जा चुकी हैं कि कुछ का हमें पता है और कुछ का नहीं पता। और इस वक्त ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि लॉकडाउन के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। किसी भी किस्म की गैदरिंग से, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो इमाम बारगाहों में हो, चाहे वो मजालिस और जुलूस में हो, चाहे वो किसी और किस्म के इस्तेमाल में हो, इन तमाम की तमाम गैदरिंग्स को मुकम्मल तौर पे बंद रखा जाए। अगर हम इसके ऊपर एहतियात नहीं करेंगे तो ये अमवात की तादाद बहुत तेजी से बढ़ेगी। अमेरिका और इटली को भी लोग शायद भूल जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि ये, और यहाँ का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी पता है, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज भी आपको मालूम है कि किस कदर कम है, तो मेरी गुजारिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि लॉकडाउन का मुकम्मल तौर पे ख्याल करें। गवर्नमेंट कुछ भी कह रही है और किसी भी किस्म के फैसले हो रहे हैं, चाहे वो मजहबी सतह पे हों या समाजी या पॉलिटिकल सतह पर, लेकिन आवाम से मेरी गुजारिश यही है तमाम डॉक्टर्स की तरफ से कि मुकम्मल तौर पर एहतियात करें, कतन अपने घर से ना निकलें, कतन इस तरह की महाफिल में ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।